निर्माण कार्य के दौरान ही ढाई दीवार और पिलर, नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के अलग अलग बयान पर कांग्रेस ने लगाए मनमानी के आरोप। कलेक्टर के नाम दिए जांच एवं कार्रवाई हेतु ज्ञापन। अशोकनगर नगरपालिका के सभी कांग्रेस पार्षद एवं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हाल ही में बनी परिषद के खोखला विकास एवं गुणवत्ता ही निर्माण कार्य को सार्वजनिक किया। कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर पूरे घटनाक्रम की जांच का ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर शहर अध्यक्ष रितेश जैन आजाद ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वयं शीतला माता मंदिर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था और नवदुर्गा से पहले कार्य पूर्ण होने का आश्वासन दिया था, परंतु गुणवत्ता विहीन होने के कारण निर्माण कार्य के दौरान ही दीवार पिलर समेत धराशायी हो गई। जब इस बात की नगरपालिका सीएमओ और इंजीनियर के समक्ष रखा तो पूरा घटनाक्रम अधिकारियों के पल्ला झाड़ते न दिखे, ऐसे निर्माण कार्य की जानकारी से इनकार किया। नगरपालिका सीएमओ द्वारा कहा कि नगरपालिका से कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, अर्थात स्पष्ट है कि नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका मुख्य अधिकारी दोनों की बयानों में विसंगति है, जिससे नगरपालिका की मनमानी उजागर होती है। खबर फैलने पर ठेकेदार द्वारा मौके से निर्माण सामग्री उठाकर रफू चक्कर हो जाना भी शंका के दायरे में आता है। इस दौरान वार्ड नंबर 16 एवं 17 के पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार यादव और राजेंद्र कुशवाहा ने भी अपने वार्डों में काम न होने की बात उठाई। शहर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को जांच का निवेदन कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की एवं ऐसी मनमानी को पुनरावृत्त रोकने के लिए जवाबदेही स्थापित कर निवेदन किया। कुछ दिन पहले वार्ड 14 के शीतला माता मंदिर के पीछे नाले के निर्माण को लेकर के खबर छपी थी, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था निर्माण कार्य का, और अखबारों में खबर छपी थी कि नवदुर्गा शुरू होने के पहले निर्माण हो जाएगा। लेकिन कल अखबार में खबर छपी कि वो जो निर्माण कार्य चल रहा था वो पूरी दीवार ढह गई। ये वारदात परसों की है, कल अखबारों में आई थी। पूरी की पूरी मैप पिलर वो दीवार ढह गई, और जब सीएमओ मैडम से और इंजीनियरों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि ऐसा भी कोई भी निर्माण कार्य के लिए कोई टेंडर फ्लोट नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई निर्माण कार्य हमारे संज्ञान में है। तो ये जो परस्पर विरोधी जो बयान है, एक तरफ नगरपालिका अध्यक्ष महोदय जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो निरीक्षण करके जनता को आश्वासन दे रहे हैं और आपको प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और दूसरी तरफ सीएमओ महोदय जो है वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई निर्माण कार्य है ही, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार या मनमानी की बू आ रही है। और हमारा दायित्व है कि हम जो जनता के द्वारा जो नगरपालिका में टैक्स भरा जाता है उसकी देखरेख करें और पैसे का उचित उपयोग करें और ऐसा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को पे लगाम लगाएं। अब कल जब ये खबर छपी तो वहीं पर ठेकेदार द्वारा सारा बिल्डिंग मटेरियल और सारा मलबा हटा दिया गया और उस जगह को फ्लैट कर दिया गया। तो इसमें कोई साजिश है या क्या वजह है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा कराए जाए, इसकी जांच के लिए हमने आवेदन दिया है। और आवेदन में जांच के बाद कलेक्टर महोदय जो भी संबंधित व्यक्ति है जो आरोपी है उनके खिलाफ डिसीजन ले कार्रवाई। यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे आपको क्या करना है? फिर से अधिकारियों से बात की जाएगी और इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाया जाएगा, नगरीय प्रशासन मंत्रालय तक।